हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं ब्लॉग बितंजू, और हमारे चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। सो के उठ के आ गई हैं हमारी बिटिया रानी, देख लीजिए गुल्लू मुल्लू। चलो मुंह धुलो जाके। और बताइए सभी लोग, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को और हमारे पूरे परिवार की तरफ से, और आपको पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली दोस्तों। और मेरे न्यू ब्लॉग में सभी लोग बने रहिए। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक औरत का ही दर्द समझ सकती है, आप लोग नहीं समझ सकते हो। तो आज मैंने एक वीडियो देखा है, जो गोरखपुरिया भौजी वीडियो देखा, क्योंकि लाइव बोली थी तो लाइव हम नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद मैंने सारा बात सुना है, उसमें समझ में नहीं आया, लेकिन सुबह में वही सुना है सही से सुबह, तो समझ में आया है। तो मालती बहुत रो रही थी, माना कि उससे गलती हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती, जो गलती विष्णु किए हैं वो गलती गलती नहीं है, जो मालती की है वो गलती है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, मालती ने गलती कर दी है तो क्या उतनी बड़ी सजा हो गई? लेकिन काम तो मालती जी आपने गलत किया था, आपको नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी होता, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आपने जो भी किया है कोई बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। कहते हैं ना, एक औरत का दर्द समझ सकती है। तो आप ऐसा कुछ मत कहिएगा करिएगा, क्योंकि आपके सामने आपका बेटा है। आप जीना चाहो ना चाहो, फिर भी अपने बेटे के लिए जीना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई नहीं है। विष्णु को तो वो तुमको रास्ते से हटा ही रहे हैं किसी ना किसी के लिए। मैंने आज वीडियो देखा है, और आपने उसमें बहुत रो रही हो और बोल रही हो, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। सारी गलती आपकी नहीं है, और विष्णु जी आपकी मतलब चाल पे चाल चले जा रहे हैं, और आपको चाल में फंसाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों को समझ में आ गया। हम लोग सोच रहे थे ना, मालती ऐसा कर कैसे सकती है, कैसे कर सकती है मालती ऐसा? भाई, वो भी भाई था, और भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने वीडियो खुद बनाया है उसके लिए, सॉरी, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था, मुझे नहीं मालूम था, यह सब सच्चाई नहीं मालूम थी, तो हम वीडियो बनाए उसके लिए। हमको भी माफ़ कर देना। और सिस्टर, हम लोग सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, और ऐसा वैसा कदम कुछ भी मत उठाना, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। जितने लोग भी हैं सभी लोग साथ में हैं, ऐसा टेंशन मत लेना। और विष्णु को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे सब लोग, क्योंकि जो लोग व्यूअर पाने के लिए इतना गिर जाए नीचे, किसी अपनी बीवी के बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी को बेइज्जती करते हैं, बदनाम करते हैं, वो पति रहा नहीं रहा? तो आप भी सिस्टर, हम लोग सब लोग साथ हैं, ऐसा कुछ भी मत करना। और आज दीपावली है, तो आप बच्चे के लिए ही सही, आप दीप जरूर बारना। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा हमेशा खुश रहें, और क्योंकि आपके साथ सब लोग हैं, आप टेंशन मत लो। क्योंकि आज हमारे पास खुद भी टाइम नहीं था, लेकिन आपके लिए हम टाइम निकाले हैं, क्योंकि त्यौहार है तो घर में बहुत सारा काम रहता है, फिर भी आपको टाइम निकाले हैं। और जानते हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हम लोग जान चुके हैं विष्णु की क्या है चाल। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे, अगर हमारी बात से कोई बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ कर देना। और हैप्पी दिवाली मालती जी और गोरखपुरिया भौजी और सभी लोगों को। और मालती जी, कुछ भी मत करना, अपने बच्चे को एक बार ज़रूर सोच लेना, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फैमिली के बारे में। फैमिली तो अपनी तुम्हारी तुम्हारा बच्चा ही है, कोई नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा तो है, मेन सहारा तुम्हारा बच्चा है, उसके लिए जीना है तुम्हें।
और आगे बढ़ के कुछ दिखाना है, ताकि ये जो बोल रहे हैं ना, सोचे तुमको रास्ते से हटा दें, तो ऐसा कुछ करना ताकि तुम हारो मत, आगे बढ़ो, डरो मत। एक औरत दिखा सकती है, क्योंकि सब लोग समझते हैं औरत कमज़ोर होती, नहीं कमज़ोर होती है। मर्द गलती करके चुपचाप सबके बीच में बैठा रहे, औरत गलती करके और वो बेचारी वो मरने पे मजबूर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए सिस्टर, हम इतना ही बात कहना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में, क्योंकि हम सारे ब्लॉग आपके देखते हैं, सारे वीडियो देख रहे हैं इस समय, जितने भी हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सभी लोग साथ में हैं, छोटे बड़े यूजर जितने भी हैं सभी लोग साथ में हैं आपके। आप टेंशन मत लिए, ऐसा ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अपने बच्चे की तरफ ज़रूर देख लेना एक बार। आपका वीडियो मैंने देखा है, और हम वीडियो नहीं जोड़े हैं, लेकिन चलिए हम इतना ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच सके तो ज़रूर देख लेना प्लीज़।